गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वन मोर वीडियो। कॉन्सेप्ट क्या देख लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के पहले एक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, वन वेरिएबल हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होगा यूनिक होगा। यूनिक मीन्स वन, फिक्स्ड, ओके, सबसे अलग, ओके। सो यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन होगा, ओके। सो नेक्स्ट अभी देख लेते हैं, टू वेरिएबल का क्या होगा। टू वेरिएबल का यहाँ पर ओके, देखो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब ज़्यादा होंगे। तो फिलहाल वन वेरिएबल का कलर चेंज कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। वन वेरिएबल का यूनिक मीन्स वन, और टू वेरिएबल्स का जो सॉल्यूशंस होगा वो इन्फिनिटी है। ओके स्टूडेंट्स, पहले ये कॉन्सेप्ट हम लोग ने क्लियर कर लिया। अभी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। अभी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मान लो अपने पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, देख, सॉरी स्टूडेंट्स, मेरा इक्वेशन ये रहा, इसको कलर चेंज कर लेता हूँ अगेन। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स। ओके, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ओके, यहाँ पे लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एक्स प्लस, ओ इशू आ रहा है स्टूडेंट्स, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स। अभी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बताता हूँ। एक्स के अंदर कोई एक नंबर लो, कोई भी एक नंबर, कोई भी एक नंबर लो, और वाई के अंदर कोई भी एक नंबर लो, बराबर। वो नंबर पुट करने की वजह से इसका जो आंसर, इसका जो वैल्यू है वो सिक्स के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू सिक्स लिया है। इक्वल के बाजू में जो भी नंबर होगा उसके बराबर रहेगा, तो वो वैल्यू क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते अभी कुछ, ओके स्टूडेंट्स। तो अब फिलहाल देखो अपने पास क्वेश्चन है एक्स प्लस टू वाई इक्वल स्टूडेंट्स। तो x की जगह पे कोई नंबर लेना है और y की जगह पे ले रहा हूँ। देखो मैं कुछ एक नंबर लेता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ, x की जगह पर 2 लेते हैं, बराबर। x के प्लेस में 2 और y के प्लेस में भी 2, तो क्या होता है देख लेते हैं, बराबर स्टूडेंट्स। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, तो x के जगह पर मैं 2 लिखा, मान लेता हूँ 2 प्लस 2 और y की जगह पर 2 इक्वल टू 6, चेक कर लेते हैं। ओके, ये 2 एज इट इज़, 2 टू ज़ा 4 एज इट इज़ 6, ओके, यहाँ पे 6 लिखता हूँ। सो ये दोनों को प्लस करो तो इसका भी क्या होगा, 6 इक्वल टू 6 आया कि नहीं आया स्टूडेंट्स। सो मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, मतलब इधर जो वेरिएबल के अंदर कुछ भी डालो, इक्वल के बाजू में जो भी नंबर लेके आया लिखा है उसके बराबर रहेगा, तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्यूशन बोलेंगे। तो यहाँ पे अपना 2 और 2 क्या है, सॉल्यूशन है किसका, ये क्वेश्चंस का, बराबर। तो ये एक सॉल्यूशन मिला, ऐसा और भी नंबर ले सकते हो, बहुत सारे नंबर लिया है, बराबर। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा बहुत सारे नंबर आप ले सकते हो। तो फिलहाल लोग ने देखो नीचे लिया, देखो 0 और 3 पुट कर तभी भी वो इक्वल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे सॉल्यूशन ढूंढना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।